Vai dar pro chão. रफी भाई रफी भाई जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 तारीख के दिन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नौजवान कायद, जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर मुंतखब किया गया, आली जनाब अनमुल रेवंत रेड्डी साहब, जो जुबलील्स अपने घर से सुबह 10 बजे वहां से स्टार्ट करेंगे। पहले उन्होंने पेद्दमागुड़ी को जाएंगे, वहां से निकलकर मासब टैंक चौरस्ते पे आने के बाद तमाम कांग्रेस पार्टी के अखिलियती कायद मोहतरम आली जनाब फिरोज़ खान साहब, उस्मान मोहम्मद खान साहब, समीर वलीउल्लाह साहब, आमिर जावेद साहब, मतीन शरीफ साहब, ये तमाम जो रैली है, इस रैली को हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी की जानिब से ये रैली मासब टैंक से शुरू होगी। अनमुला रेवंत रेड्डी साहब को वहाँ से तमाम अखिलियती कायद वहाँ से लेकर दरगाह सुफियन में आकर ज़ियारत करके उसके बाद फिर यहाँ से 1:30 बजे गांधी भवन जाके वो हलफ लेंगे। मैं हमारे तेलंगाना के नौजवानों से, बिलखसूस हैदराबाद के नौजवानों से अदबन गुजारिश करता हूँ, जो हालात आज चल रहे हैं, इस हालात को अगर सही मानों में काउंटर करना है, सही मानों में अगर उसका जवाब देना है, तो रेवंत रेड्डी साहब के हाथ मजबूत करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है। इसीलिए एक नौजवान कायद को श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने मुंतखब किया। हमारे तमाम अखिलियतों भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, और हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि एक नौजवान कायद जो है, एक हुकूमत में जो आवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको जवाब देने के लिए वो तैयार होकर आए हैं, तो उनके मदद करें और उनका साथ दें। 7 तारीख के दिन तमाम हैदराबादी नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना के जितने अखिलत है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मिलकर रेवंत रेड्डी साहब को मदद करें और उन्हें कामयाबी बनाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की एक तारीख रही कि जो है 2004 से 2010 तक का जो कांग्रेस पार्टी का दौर इख्तदार रहा, वो एक गोल्डन पीरियड था, जहाँ पर तकरीबन 25 से 30 लाख मासूम लड़की और लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग बनने के लिए, डॉक्टर्स बनने के लिए, कई प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लिए, एमबीएस के लिए कई इंस्टीट्यूशंस खोले गए और फीस रीएम्बर्समेंट के ज़रिए उन्हें मदद की गई। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा कि मुसलमानों के साथ, अखिलियतों के साथ कांग्रेस पार्टी कितना इंसाफ कर रही। और अगर हम पलट के हम 2014 के बाद तक देखते हैं, 95 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्रोफेशनल डिग्री कॉलेजेस, फ़ीस रीएम्बर्समेंट नहीं देना, उसकी वजह से बंद हो जाना, और जो है आज जो दौर इख्तदार में कांग्रेस पार्टी के लोग जो
कम से कम 25 से 30 लाख लोग जो अपने एजुकेशन पाए थे वो तमाम लोग आज एजुकेशन से मायूस हो गए हैं और जो है बाहर हो गए हैं। ये उसकी मजबूरी है कि जो रिजर्वेशन तो है कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ, लेकिन 12% के नाम पे जो है मुसलमान आवाम को गुमराह करते हुए और फीस रीएम्बर्समेंट को रोककर 95 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया गया और तकरीबन जो गरीब लोग जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे 4,500 गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद कर दिया गया। इस हुकूमत को कड़ा जवाब देने के लिए रेवंत रेड्डी आए हैं।